आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है। चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है भारत, और आगे भी बना रहेगा ये कहना है सबसे बड़ी एजेंसी IMF का। इसके साथ ही फ्रांस को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसी महीने बना है। दुनिया की एक से बढ़कर एक वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF आदि संस्थाएं भारत का लोहा मान रही हैं। अभी मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक अब तो PM मोदी ने भी इशारों इशारों में कांग्रेस को बता दिया है कि कम से कम 2024 तक उनका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आज भारत 70 साल बाद भी पहली बार इतने मजबूत हाथों में आया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत केवल पूरे एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारी पड़ने की क्षमता रखता है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2030 के लिए तय किए गए 17 सत विकास लक्ष्यों में से एशिया प्रांत के क्षेत्र महज एक लक्ष्य को ही हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने खास इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 2030 के विकास एजेंडे को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया की सफलता एशिया प्रांत के केवल और केवल भारत पर निर्भर करेगी। इसका मतलब भारत की सफलता पर ही दुनिया की सफलता निर्भर करेगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। संयुक्त राष्ट्र जैसी महाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकारी का ऐसा कहना, वो भी अमेरिका नहीं, रूस नहीं, चीन नहीं, जापान नहीं, बल्कि केवल भारत के लिए ऐसा कहना बेहद गौरवशाली बात है। लेकिन इस बात का महत्व केवल एक सच्चा देशभक्ति समझ सकता है। कांग्रेस के अर्थशास्त्रियों को तो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था डूबती हुई लगेगी। कांग्रेस के अर्थशास्त्रियों को संयुक्त राष्ट्र से आई ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए। ये एक करारा तमाचा है उन सभी मोदी विरोधियों के गाल पर। गरीबी दूर करने, ग्रह को बचाने, स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिरता को सुधारने तथा 2030 तक सभी के लिए शांति और संपन्नता के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक वैश्विक आह्वान किया था, जिन्हें सत विकास लक्ष्य या वैश्विक लक्ष्य कहा गया। एशिया प्रांत के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के उप कार्यकारी सचिव कावे जादी ने पेट्रो को बताया, एशिया प्रांत क्षेत्र में वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, लेकिन ये काफी नहीं है। दुनिया भर के देश विकास लक्ष्यों के आधार पर विकास कार्यक्रम को लागू करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सत विकास लक्ष्यों की सफलता का बड़ा हिस्सा भारत में इनकी सफलता पर निर्भर करता है। ऐसे में भारत के विकास कार्यक्रम और उन्हें लागू करने की प्रतिक्रिया एशिया प्रांत क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। जिस तरह PM मोदी हर बार कहते हैं ये मेरा सम्मान नहीं बल्कि 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, उसी प्रकार आज एक गौरवशाली पल केवल PM मोदी या BJP के लिए नहीं बल्कि 125 करोड़ देशवासियों के गौरव का पल है, क्योंकि इसी देश के 125 करोड़ लोगों ने PM मोदी का पल पल में साथ दिया है। नोटबंदी, GST, जनधन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, योग, सब जगह PM मोदी का साथ दिया है। भारत का महत्व कभी भी कम नहीं था। ऐसे में सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। हमारे देश में सोने के सिक्के चलते थे हमारे देश में, तभी तो दुनिया भर के देश हमारे देश की चकाचौंध को देख के चले आया करते थे। जब पूरी दुनिया के लोग सूरज चंद्रमा को देख अचंभित हुआ करते थे, तब भी हमारे देश के ऋषि मुनि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखते थे। बस हम ही लोगों में कुछ कमियां थी जो जात पात और लालच में उलझकर अपने संसाधनों की रक्षा नहीं कर पाए। सभी देश हमें लूटकर चले गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर भारत वही महत्व बना रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।